नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 31 अक्टूबर की आंसर की हमने तैयार कर ली है और इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें पेपर से संबंधित आपको जानकारी दी थी कि पेपर कैसा आया, प्रश्नों का स्तर आप देखें। तो काफ़ी विद्यार्थियों की अलग अलग कमेंट्स रहे, कुछ को पेपर इजी लगा, कुछ को टफ लगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आंसर की से संबंधित हमारा वीडियो। तो यहाँ पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भर्तियों से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी आपको रेगुलर मिल सके राजस्थान जीके स्टोर। और इसी तरह से इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे बाकी विद्यार्थियों तक भी आंसर की से संबंधित जानकारी ये पहुंच सके। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जैसलमेर जिले, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ आप देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्षेत्र दिया गया है, स्थानीय नाम दिए गए हैं। अब यहाँ हमें इसको सुमेलित करना है। अब यहाँ आप देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र, तो ये हमारा आता है। यहाँ आप देखिए दूसरे प्रश्न में, तो यहाँ पर पहले का जो ये है डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र, ये आता है वांगड़ क्षेत्र में। तो यहाँ पर इसको हम इससे सुमेलित कर सकते हैं। उसके बाद आगे आप देखिए, कोटा, बूंदी एवं बारा क्षेत्र, जो कि आता है हाड़ौती क्षेत्र से। इसी तरह से तीसरा है, उसके बाद यहाँ आप देखिए आबू पर्वतखंड, जो कि आता है अरबुद, और डूंगरपुर, पूर्व सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र आता है बोमट क्षेत्र में। तो यहाँ अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल एक ऑप्शन से ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आता है। यहाँ आप देखिए चौथा ऑप्शन देखिए, कोटा, बूंदी एवं बारा क्षेत्र, हम जानते हैं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र होता है। यहाँ आप देखिए चौथे का है, हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे चौथे में है बी। केवल एक ही ऑप्शन से इसका हम आंसर निकाल सकते हैं, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है। तो यहाँ पर इसका मेरे अनुसार आंसर होना चाहिए धौलपुर एवं झालावाड़। फिर भी आप एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देखें, और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। वैसे दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। काफ़ी आसान सवाल है ये, 10.41%। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, बार बार ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और वैसे सभी विद्यार्थियों का ये प्रश्न बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए काली सिंध, परवन नदी इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से आगे आप देखिए, साबरमती, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, और माही की जाखम, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ये तीसरा ऑप्शन है गंभीरी मेशवा, तो ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा तीसरा ऑप्शन, क्योंकि जो ये मेशवा नदी है ये भी साबरमती की ही सहायक नदी है, और ये ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तीनों ऑप्शन आप देखिए, शक्ति, संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षित श्रमिक, बाजार और कच्चे माल की उपलब्धता, हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, राजस्थान में कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वही बात है, शुरू में भी इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर वही बात पूछी गई है, दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी जिले कौन से हैं, वहीं से हमारा इसका आंसर निकलता है। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। और अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में आपको लगता है कि गलत है, डाउटफुल है, तो रीज़न के साथ आप कमेंट करके आप हम सभी के साथ उसे ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, ये कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। राजस्थान में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों सही है, एस और आर दोनों सही है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, जिला दिया गया है, पर्यटक
स्थल दिया गया है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है 28 तारीख का। आपने अगर पेपर देखा है जीके का सेकंड ग्रेड का, तो वहाँ पर पांडुपोल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था अगर आपको पता हो तो, और वहीं पर ये क्वेश्चन अगर यहीं पर आज रिपीट हुआ है तो। यहाँ पर अलवर जिले का पर्यटन स्थल है पांडुपोल, इसी तरह से यहाँ डीग, डीग जो है भरतपुर से संबंधित है, बीकानेर कोलाय झील से संबंधित है, और अजमेर सोनी जी की नसिया। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर है पहला में, पहले में है चार, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन से हम इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए अलवर को पांडुपोल से अगर सम्मिलित करेंगे तो पहले ऑप्शन में एकमात्र डी वाला ऑप्शन है, बाकी तीनों में नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने किस दिशा में बहती है? तो इसका आंसर होगा हमारा उत्तर पश्चिम, पहला ऑप्शन। यहाँ आप देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है हिम चीता के लिए, मगरमच्छ के लिए, साइबेरियाई सारस के लिए, और एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है, चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। बिल्कुल सही बात है, ए और बी दोनों सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यदि अंडमान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारी को सचेत किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर होगा कोलंबो, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कई विद्यार्थियों का ये कहना है कि चार जिलों में ये कार्यरत है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर ये केवल अलवर और भरतपुर में कार्यरत हैं। तो इस बारे में आप एक बार इसका आंसर बताएं, कमेंट करके आप बताएं। वैसे दो ही जिलों में ये कार्यरत हैं, फिर भी आप इस प्रश्न के आंसर को थोड़ा सा देखें। अगला क्वेश्चन आप देखिए, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर है हरमट्टन, इजी क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बांग्लादेश हमारा यहाँ सबसे सही उत्तर होगा। सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है। ग्रेट बैरियर रीप कहाँ स्थित हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के किनारे, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखिए वर्षा से भी जुड़ी हुई है, वनों की कटाई, अत्यधिक खेती और अतिचारण। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होना चाहिए ए बी सी डी, इसका आंसर होना चाहिए चौथा ऑप्शन। भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 में, तो यहाँ पर होगा 1921। अगला प्रश्न आप देखिए, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है, तो ये है शिवालिक से लघु हिमालय को, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा इनमें होगा जय नारायण व्यास और बरकतुल्ला खान, यानी ए और बी, सी यहाँ पर नहीं होगा, ए और बी करेक्ट होंगे, तो ये तीसरे ऑप्शन में आते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप देखिए, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन आप देखिए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होती है, बिल्कुल सही है ये कथन हमारा। अगला कथन आप देखिए, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी, ये भी बिल्कुल सही है। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम 10वें भाग के समर्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर रहेगा ये यहाँ पर सही नहीं है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, यहाँ पर होगा 1/3 होगा, 1/10 नहीं, 1/3। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? तो यहाँ पर होगा टीकाराम पालीवाल, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 24।
निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मुख्यमंत्री दिए गए हैं और मुख्य सचिव का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है बरकतुल्ला खान और आरडी माथुर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, निम्नांकित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? तो यहाँ पर इसमें चारों ऑप्शन के साथ हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें जो तीनों ऑप्शन है, केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित समस्याओं पर विचार करना, ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिपक्ष निर्णय लेने की आवश्यकता हो, दोनों सही हैं। और तीसरा है विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिसे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती है, तो ये भी सही है पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 आप देखिए, निम्नांकित में से किस वर्ष में पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर 26 में होगा तीसरा ऑप्शन, 1996 में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो यहाँ पर उदयपुर के संभागीय आयुक्त। अगला क्वेश्चन, यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री दिए गए हैं और यहाँ पर वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 आगे आप देखिए, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रहा है? तो बरड़ आंदोलन पहला ऑप्शन। डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय की उम्र क्या थी? इसके उत्तर में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जिस विद्यार्थी को भी इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर मालूम हो कमेंट करके हम सभी के साथ उसे ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 31, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? काफ़ी इजी प्रश्न, सभी विद्यार्थियों ने सही किया होगा, बांसवाड़ा चौथा ऑप्शन। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है, यहाँ पर 32 क्वेश्चन नृत्यों से संबंधित हैं, तो ये भीलों से संबंधित है। किस राज्य के प्रजामंडल में 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया गया? ये जोधपुर में मनाया गया है और रीट के प्रीवियस पेपर से ये क्वेश्चन उठाया गया है, पहले ये प्रश्न पूछा गया है, तो जोधपुर इसका सही उत्तर होगा, कृष्णा दिवस। मुकाम प्रसिद्ध है, तो ये बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है, इजी क्वेश्चन। राजस्थान के संत संप्रदाय में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? चित्रकला से संबंधित प्रश्न आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 35 का आंसर होगा महाराजा उम्मेद सिंह, इनके काल में कोटा की चित्र शैली का सर्वाधिक विकास हुआ, स्वर्ण काल भी हम इसको कह सकते हैं। आगे आप बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 36, बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो कोलू गांव, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ है बाबूजी का। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ है। एकीकरण से संबंधित सवाल है जो कि सातवें चरण में इनका विलय हुआ है राजस्थान में। चार चोमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? कोटा इसका सही आंसर होगा, फिर भी आप इसके आंसर को एक बार जरूर देखें, कोटा बूंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, वैसे कोटा ही इसका आंसर होना चाहिए, तो आप इस प्रश्न के उत्तर को थोड़ा सा देखें। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? इजी क्वेश्चन है, सीकर हमारा उत्तर होगा। उसके बाद आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार। किस दुर्ग को गढ़वीटली नाम से भी जाना जाता है? तो ये तारागढ़ अजमेर को जाना जाता है, काफ़ी इजी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 42 आप देखिए, बिजोली अभिलेख के किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो ये चौहान वंश से संबंधित है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था? तो ये राणा पूंजा, यहाँ पर सही उत्तर होगा। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो यहाँ पर होगा राव चंद्रसेन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो सभ्यता से क्वेश्चन है, आहड़ सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 46, बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो इनके पिताजी की जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद 1574 में राज तिलक किया गया महाराणा राय सिंह का, तो 1574 यहाँ पर सही उत्तर होगा।
मेमंद क्या है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 28 अक्टूबर के पेपर में भी, सेकंड ग्रेड के जीके के फर्स्ट पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था। आपने अगर पेपर देखा हो तो सुमेलित करने से संबंधित क्वेश्चन आया था और वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो मेमंद आभूषण सिर में पहना जाता है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन। विजयजान देथा का संबंध है लोक साहित्य से, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखिए 49, कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया है, ये साइको से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नांकित में से किससे है, तो भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु। अगला प्रश्न आप देखिए, राजस्थान के करंट के अब हम आंसर जान लेते हैं, करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में राजस्थान में किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई है, तो ये क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर रहेगा राजकीय विद्यालयों के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है, तो राजमाता विजय राजे मेडिकल कॉलेज, तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है, तो 50,000, बिल्कुल सही आंसर। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है, तो ब्राह्मणी बनास परियोजना, चौथा ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू प्रथम प्रवेश किया है, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है, खलील अहमद, जिनका संबंध राजस्थान के टोंक जिले से है, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए, निम्नांकित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर चूरू यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये 2 जुलाई 1918 को जयपुर से ये योजना प्रारंभ की गई, दहमी कला जयपुर से, जहाँ पर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को 150 ml 200 ml दूध पिलाया जाता है। पहले ये 3 दिन तक थी योजना, अब 7 दिन दूध पिलाया जाता है बच्चों को। राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है, क्वेश्चन नंबर 63, तो यहाँ पर होगा 40.92। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2005-2016 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी रही, तो यहाँ पर 64 का जो आंसर रहेगा 3.1, थोड़ा आंसर में डाउटफुल हैं, तो जिस विद्यार्थी को भी कंफर्म आंसर पता हो कमेंट करके सभी के साथ जरूर शेयर करें। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है, दिशारी ऐप, और आप सभी को पता होगा इमरान खान जो कि अलवर से हैं, एक गवर्नमेंट टीचर हैं, उन्होंने ही इस ऐप को डेवलप किया है, दिशारी ऐप, बिल्कुल सही आंसर। राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारी को अपने शिशु पूरे सेवा काल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया गया है, तो 2 वर्ष, बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, ये नेशनल इनकम से संबंधित प्रश्न है, करंट का क्वेश्चन और आप देखिए 68, निम्न से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में नहीं मिलता है, तो यहाँ पर है 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवच, 10 लाख का नहीं है ये, 1 लाख का ही दुर्घटना बीमा कवच है। और इसी तरह से एक अंतिम क्वेश्चन आप देखिए करंट का, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्तमान में IIP गणना का आधार वर्ष क्या है, तो यहाँ पर होगा 2011-12, बिल्कुल सही उत्तर। और उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न आप देख सकते हैं, इनके उत्तर से संबंधित आंसर की भी जल्द अपलोड की जाएगी, जिस विद्यार्थी को भी इनके आंसर पता है कमेंट करके आप जरूर हम सभी के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इससे संबंधित 28 अक्टूबर से संबंधित आंसर की आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, राजस्थान GK स्टोर, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको राजस्थान की भर्तियों से जुड़े हुए अपडेट्स की सारी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।